भगवती श्री लक्ष्मी माँ। देवी की जितनी भी शक्तियाँ मानी गई हैं, उन सब की मूल भगवती लक्ष्मी ही हैं। ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं। श्री लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति दो रूपों में देखी जाती है, श्री रूप में और लक्ष्मी रूप में। ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। दोनों ही रूपों में ये भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति वैभववान हो जाता है। लक्ष्मी जी कमल वन में निवास करती हैं। कमल पर बैठती हैं और हाथ में कमल धारण करती हैं। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री श्री देवी शुद्ध सत्वमयी हैं। विकार और दोषों का वहां प्रवेश भी नहीं है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं, तब तब महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती हैं। इनके आविर्भाव का इतिहास इस प्रकार है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। उसके बाद लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने का दूसरा इतिहास इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक वन में गए। वहां एक सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की माला भेंट की। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय दुर्वासा जी को देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे एरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर एरावत के मस्तक पर डाल दिया। एरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से उतार लिया और अपने पैरों तले रौंद डाला। माला की दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से त्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल की रमथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकुट विष, कामधेनु, उच्चेश्रवा नामक अश्व, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि,
कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी वारुणी, चंद्रमा, शंख, शार्क, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्रीअंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षि प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गईं। हंड्रेड काउंसलर्स की तरफ से दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।